Assalamu alaikum, happy Women's Day to all of you. On this Women's Day, I would like to actually say something. हम लोग बहुत सारे प्ले कार्ड्स रखते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं. इस बार मैंने देखे बहुत सारे प्ले कार्ड्स, मुझे बहुत अच्छे लगे. मुझे लगा कि ऐसी कोई बात हो रही है कि जो बात करनी चाहिए. लेकिन एक बात जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगी, मुझे हमारे पास बहुत सारे हुकूक हैं, बहुत सारी खवातीन जो आज औरत मार्च में गई, जो कि जाती हैं, जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हैं, जो कि बाहर काम कर रही हैं, लेकिन वहीं पे वो औरतें हैं जो शायद बेसिक राइट्स के लिए भी आज तक लड़ रही हैं. कल एक न्यूज़ आई विच वॉज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, और जिस जिसने भी पढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता कि आप काफ़ी देर तक उस चीज़ से निकल सकते हैं. एंड मुझे नहीं पता कि मैं इसको कैसे कहूँ, लेकिन फिर भी कि एक बाप ने अपनी 7 दिन की बच्ची को जिस तरीके से मारा है और उसके बाद वो फरार हो गया है, आई थिंक कि आज अगर 21st सेंचुरी में भी इस किस्म की मिसालें हैं, ये तो एक चीज़ है जो सामने आई है. ऐसी पता नहीं कितनी सारी चीज़ें जो होती हैं और हमें पता ही नहीं है, शायद हम तक पहुंचती ही नहीं है. मुझे लगता है ये वो वुमेन्स राइट्स हैं जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हैं, कि बेटी आज भी अनवांटेड क्यों है, आज भी क्यों बेटा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. होगा, लेकिन बेटी भी इम्पॉर्टेंट है और अल्लाह ने आपको दी है. इस्लाम जब आपको हर चीज़ के अंदर इस्लाम का होता है कि हाँ इस्लाम के अंदर ये है, तो इस्लाम ने ये अवेयरनेस दी है कि उस बेटी को आप जिंदा नहीं दफनाएंगे. जिस दौर के अंदर जितना दफना दिया जाता था, उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, इसको दफनाएंगे नहीं, बल्कि आपकी इज्जत है. दैट्स जस्ट इट. प्लीज़ अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपनी बीवियों की, अपनी माओं की, सबकी इज्जत करें, प्यार करें, एहतराम करें, उनका ख्याल रखें. दैट्स आई थिंक विल बी द टाइम कि जब मैं कहूँगी कि आज वाकई वेमेंस डे है, कि जब औरतें घरों से बाहर सेफली निकल सकेंगी किसी भी वक्त, कभी भी, और घर के अंदर भी ख्वातीन सेफ होंगी, बच्चियाँ सेफ होंगी. खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा हमेशा, और बस कोशिश कीजिए कि अपना बिट प्ले करें. थैंक यू सो मच.